देखो किड़वाला से बहन, तो आज जो हम फाइट करने जा रहे हैं ये हम लोगों को फ्यूचर में भी देखने को मिल सकती है। ओरिजिनल ट्राइबल चीफ वर्सेस द हाई चीफ, दो ऐसे सुपरस्टार। देखो सोलो जो भी कर रहा है वो अकेले के दम पे तो नहीं कर रहा है, उसके पीछे जरूर किसी ना किसी बड़ी हस्ती का हाथ है, और वो ऑब्वियसली नन अदर देन द रॉक ही हो सकते हैं, क्योंकि हाई चीफ ही है जो सोलो को इस हद तक चढ़ा सकते हैं कि वो चने के झाड़ पर चढ़ भी गया और ओरिजिनल ट्राइबल चीफ से पंगा ले लिया उसने। और ओरिजिनल ट्राइबल चीफ की टीम में कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना ऑब्वियसली होने ही है, ये आप सब भी जानते क्यों है ये सुपरस्टार ओरिजिनल ट्राइबल चीफ की टीम में। तो आज भाई साहब दो ऐसी टीमों की फाइट करने वाले हैं जो जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। रोमन रेंस, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना वर्सेस द रॉक, सोलो सिकोवा, जेकब फाटू और टामा टोंगा। फटाफट से गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर लेना, जबरदस्त फाइट होने वाली बहुत ज्यादा, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और हाई चीफ डॉच करेंगे के स्पीयर, मुझे लगता था कर देंगे क्योंकि रोवन के मूव्स हाई चीफ बहुत अच्छे से जानते हैं। एक ही फिनिशर रिवर्स हुआ, दूसरा नहीं होने देंगे रोवन। और ओरिजिनल ट्राइबल चीफ है भाई ये, वो टीसी हाई चीफ को ये बात समझ नहीं होगी, ये पुराने वाला रोमन नहीं है, ये सुपर फिनिशर नहीं, ये नॉर्मल फिनिशर है, मतलब ओटीसी रोमन ने इसके बाद ये वाला फिनिशर है। पहला फिनिशर ऑब्वियसली यार रोमन ही लगाने वाला था ना भाई, ये कैसे हो सकता है कि रॉक लगा दे और ओटीसी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ ना लगाए, ये तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। और ओरिजिनल ट्राइबल चीफ का जलवा बरकरार है, अभी तक हर फाइट में भाई जीतते आए हैं, कोई भी फाइट हारे नहीं है। और हाई चीफ अब आए वापसी फाइट में, तो हाई चीफ कुछ ना कुछ कांड करने वाले हैं, और अगर यहाँ से अगर हाई चीफ निकल जाते हैं तो फाइट बहुत ज्यादा। आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर, रैंडी ऑर्टन भाई वाइपर बिल्कुल भी कम मत आंकना भाई इस बंदे को। ओ सोलो को भी पड़ा, सोलो तुझे गिरती गई थी, ओ मतलब यार फिनिशर लगाओ और टैग दे दो। कोडी ने अगर क्रॉस रोड्स भी लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, रॉक एलिमिनेट हो जाएंगे, और मैं वो चाहता नहीं हूँ इतनी जल्दी एलिमिनेशन हो, थोड़ा सा फाइट चल जाए उसके बाद एलिमिनेशन हो तो फाइट में मजा आने वाला। और जेकब फाटू देखो कैसा परफॉर्म करने वाला आज हाई चीफ की टीम से, क्योंकि हाई चीफ ही है जो इन लोगों से ये करवा रहा। और ये तुम लोग देखना बात कि आने वाले साल भर के अंदर हमें हाई चीफ फिर से नजर आएंगे, और सोलो सिकोवा जो ये सब कर रहा है ना वो हाई चीफ की कहने पे ही कर रहा है, ये बात फिक्स है। क्रॉस रोड्स लगा जेकब फाटू जो एक जबरदस्त सुपरस्टार है उसको क्रॉस रोड्स लगा, तो कोडी भाई पूरा रोल करेगा। बचा लिया भाई साहब, मुझे लगा किक आउट नहीं कर रहे थे जेकब फाटू, फंसा के पिनफॉल नहीं हो पाएगा, पहले ही काउंट होने से पहले किक आउट कर दिया। ये जेकब फाटू मुझे लगता नहीं आज कुछ ज्यादा उखाड़ पाएगा, क्योंकि सामने कोडी रोड्स है, समझ रहे हो तुम, सामने कोडी रोड से और फिर रैंडी ऑर्टन अपने टेबल फिनिशर भूला नहीं होगा जो ब्लड लाइन उसे लगाया था, अबे कितना मारेगा आराम को। और छोटे भी थे, कोडी ने रिवर्स किया, ये यार रिवर्स हो गया, कोडी की रेजिलेंस नहीं, ने ये फिनिशर है क्या, सुपर ही सिग्नेचर लगा रहे हैं, सुपर फिनिशर आ गया जेकब फाटू के पास, ये ना लगा दे, ये अगर लगता है तो गड़बड़ हो जाएगी। नॉर्मल मूव है, नॉर्मल मूव सही है, जेकब फाटू भाई फाटू सुपर फिनिशर मत लगा दियो, कोडी चला जाएगा हमारा भैया, और कोडी कौन जाते हुए इस समय नहीं देखना चाहते, कोडी ये एंड तक रुके रोमन के साथ। जेकब फाटू नॉर्मल मूव लगा रहा है, सुपर फिनिशर या फिनिशर के लिए ट्राई ही नहीं कर रही है, फिनिशर है शायद इसका। ये हमें पिछवाड़ा क्यों दिखा रहे हो, हमें नहीं देखना भाई, ये कैमरामैन 2K वाले तुम लोग चेंज करो, ये बहुत बार पिछवाड़ा दिखा चुका हमें लोगों का, हमें नहीं देखना भाई। और ये हाई चीफ है उसमें से सोलो में से किसी का दिखा रहा था, हमें नहीं देखना भाई, हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा तू। और जेकब फाटू पीटे ही पड़ा भाई कोडी रोड्स को, कोडी को एक फिनिशर ऑलरेडी लग चुका है, कोडी भी अपने पास दो फिनिशर ले आया है, जेकब फाटू सही जा रहा है भाई, एक फिनिशर लगा चुका कोडी को, नॉर्मल मूव काफी लगा चुका, कोडी की बॉडी और हेड येल्लो हो चुका है, टैग देने जा रहे टामा टोंगा के पास भी आर्की आउट ऑफ नोवेयर है, तो इस समय रैंडी ऑर्टन को टैग दे दो ज्यादा बढ़िया है। आज कोडी पीट क्यों रहा है, कोडी क्या चक्कर है भाई, पीट क्यों रहे हो आज, क्रॉस रोड्स तो कोडी ने ट्राई नहीं किया लगाने का अब तक, एक क्रॉस रोड शायद जेकब फाटू को लगा है या नहीं लगा है ध्यान नहीं है मुझे, ये क्या कर रहा है भाई, ये सही मूव था जो भी था, इससे कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ,
लेकिन शो ऑफ के लिए मूव सही था ये। पिन नहीं हो पाएगा भाई, बचाने वाले भी बहुत है और कोडी वैसे भी किक आउट कर देता। अभी तो कोडी के पास रेजिलेंस भी है, तो अभी तो टमाटो का बेकार ही सोच रहा है कि पिन हो पाएगा, ये सुसाइड टाइप लगाएगा। अरे भाई 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 भाई, कोडी ने डॉच कर लिया, कोडी ने सही किया भाई, डॉच कर लिया, बहुत ऊपर से कूदा और स्टील पोस्ट पे दे मारा। 5 तक काउंट है, 10 तक काउंट है, मुझे ध्यान नहीं है भाई, मैं काउंट रख देता हूँ, मैं देखता नहीं कितना काउंट रख रहा हूँ। गया टमाटो हुआ एलिमिनेट, और हाई चीफ आ चुके, हाई चीफ खतरनाक मूड में दिख रहा है मुझे इस समय। ये कोडी को ना पहनने लगी, कोडी को एलिमिनेट मत करवा देना भाई। कोडी नहीं रिवर्सल के, कोडी बढ़िया हाई चीफ है ना वो, लीगल सुपरस्टार भाई चीफ। पहला कांड तो हो चुका है, स्पाइन बस्टर लगा दिया इनने, 4 तक काउंट हो चुका, ये फिनिशर के लिए जा रहा भाई, दोनों एलिमिनेट। क्या कर रहे हैं ये लोग, और सोलो बचा इधर, चीका फाटू बचा, और सीना सीना की तो भी पारी ही नहीं आई है, तो फाइट मुझे लगता हाथ में आ चुकी, लेकिन अभी भी कुछ कह नहीं सकते कि सोलो क्या कांड कर दिया। सोलो इतना बुरा भी सुपरस्टार नहीं है, तुम सोच रहे हो इतना बुरा। डबल टीम अटैक, डबल सुप्लेक्स, फंसा के पिनफॉल नहीं हो पाएगा, किक आउट कर देगा रोमन, काउंट होने से पहले किक आउट कर दिया भाई। अब तो सोलो भी कभी कभी स्पियर लगाने लगा है, गिलिटीन चिपका दिया, ये आज सिग्नेचर वाला गिलिटीन है। एक फिनिशर और आ चुका रोमन, सोलो की बॉडी लाल हो चुकी है, अभी भी कांड हो सकता है क्या, अभी भी कुछ कांड होने की उम्मीद ही कमी है। सोलो ने फिनिशर लगा दिया, रोमन एलिमिनेट कैसे, व्हाट द हेल, रैंडी ऑर्टन को लगा एक और समुआ स्पाइक, इसने कांड कर दिया सोलो ने, अरे ऑर्टन की काउंट कर दिया, ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऑर्टन क्या कर रहे हो, रोमन बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गया क्यों, रैंडी ऑर्टन कुछ ना कुछ कांड कर रहे भाई, करे रैंडी ऑर्टन को भी करना पड़ेगा, और सीना आ सकते हैं ना बचाने, सीना आए भी लेकिन उससे पहले ऑर्टन ने किक आउट कर दिया भाई, मैच बिल्कुल टक्कर पे आ गया, मुझे उम्मीद थी रोमन इतनी जल्दी चला जाएगा, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ एलिमिनेट, लेकिन ऑर्टन भाई ऑर्टन कांड कर जाएगा, ऑर्टन के पास कोई फिनिशर नहीं है, सीना के पास फिनिशर है, सीना आज तुम्ही को कांड करना है, हाई चीफ का अपना रॉक बॉटम ध्यान कर लो, हाई चीफ का बदला तुम्हें सोलो से निकालना है। फिनिशर लगा, ये रिवर्स कर दिया इसने, सोलो ने अपना फिनिशर लगा ही दिया सोलो ने, सीना को लगा, अरे सीना एलिमिनेट, ये क्या हो रहा है, ये एक एक फिनिशर में क्यों, अकेला बचा ऑर्टन भाई साहब, क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा, जेकब फटक हुआ, दो दो फिनिशर है और ऑर्टन के पास एक भी नहीं है, ऑर्टन क्या कर रहा है, नीचे ही फिनिशर खा लिया, क्या हो रहा है फाइट में, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ की टीम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऑर्टन के पास रेजिलेंस है, रेजिलेंस अभी यूज नहीं करेगा, ऑर्टन वैसे ही किक आउट कर देगा, रेजिलेंस यूज मत करना ऑर्टन, किक आउट करो, कि अरे रेजिलेंस यूज हो गई, What the hell? ये क्या हो रहा है फाइट में, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो कुछ भी, ये ऐसा क्यों हो रहा भाई, ये रिवर्स हुआ, और टेन इस समय जेकब फाटू को पियो भाई, जेकब फाटू अगर जाएगा तो उम्मीद बन सकती है जीतने की। फिनिशर आ चुका, तुरंत ही आरक्यू लगा देना, ऑर्टन सोलो आ गया, सोलो को आरक्यू, ऑर्टन आरक्यू, सोलो के पास कोई फिनिशर सिग्नेचर नॉर्मल मूव, ये रिवर्स करो यार ऑर्टन, क्या कर रहे हो, रिवर्स क्यों नहीं कर रहे हो, ऑर्टन कांड करे, आरकीओ लगना है इस समय, आरकीओ लगता है तो शायद से सोलो का डाटा बैम हो सकता है, क्योंकि सोलो की बॉडी ऑलरेडी लाल है। ठीक है ऑर्टन नॉर्मल मूव लगा रहे, जी का फाटू आ जाएगा बचाने, सोलो किक आउट कर दिया, किक आउट करना था यार, फिनिशर ऑर्टन फिनिशर, नॉर्मल मूव से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, ऑर्टन आरक्यू ही लगाना पड़ेगा तभी मैच में वापसी हो सकती है, क्योंकि रेजिलेंस ऑलरेडी जा चुकी है। रिकवरी का मौका मत दो सोलो को, ऑर्टन गया सोलो नीचे, सोलो तो गया है, ऑर्टन लग रहा अपने फिनिशर बनाने के चक्कर में और स्टर्ट कर दिया जेकब फाटू को भी, ऑर्टन सुसाइड डाइव लगा सकते हो क्या नीचे, ऑर्टन काउंटडाउन से एलिमिनेट मत हो जाना प्लीज,
सोलो एलिमिनेट हो जाए काउंटडाउन से तो मजा आ जाएगा। नीचे ऑर्डन अंदर ले आया, ऑर्डन खुद भी तो आ जाओ। ठीक है, हाँ 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 हाँ, पब्लिक चिल्ला रही, पब्लिक देख रही ऑर्डन। अरे क्यों, अरे इसने सोलो ने फंसा लिया, मुझे लगा अरे क्यों आर क्यों, ये समूह स्पाइक फंसाने के चक्कर में, सोलो समूह स्पाइक फंसाने के चक्कर में था, बुरा था। जेकब फाटू, मुझे जेकब फाटू से ही डर लग रहा है। ये एलिमिनेट हो जाता है तो कुछ बात बन सकती है फाइट में। आर क्यों रह गया भाई, लग जाता तो मजा आ जाता, कुछ उम्मीदें जाती। ऑटन आर क्यों एक ही बार ट्राई करके नहीं रह जाना भाई। पावर स्लैम लगाया, ठीक है। एक आर क्यों ऑटन, इंतजार में हूँ आर क्यों कब ऑटन लगाएगा, ऑटन आर क्यों कब लगाएगा, ऑटन क्या कर रहे हो, इतना इंतजार मत करवाओ। क्यों दिल की धड़कने पर आ रहे हो, ऑटन हार्ट अटैक आ जाएगा लोगों को। अरे भाई साहब ये फिनिशर लगा, ये नॉर्मल मूव है, ये मूव भी रिवर्स हो गया, ऑटन किया हेडलॉक, क्यों फिर से रह गया। अरे भाई साहब क्यों लग नहीं पा रहा है, क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऑटन के पास दो दो फिनिशर आ चुके हैं, ऑटन कांड कर सकता है, पूरा कांड कर सकता है ऑटन। अभी सोलो आ सकता है बचाने, लेकिन जेकब फाटू वैसे भी किक आउट कर देगा। जेकब फाटू की बॉडी लाल, हेड येलो हो चुका। ऑटन आर क्यों आउट ऑफ नोवेयर, जेकब फाटू गया। ऑटन समूह स्पाइक मत खाना, ये फिनिशर इसने लगा दिया सोलो ने। ऑटन गया, ऑटन ये रिवर्स कर देना प्लीज, ऑटन रिवर्स हो गया। रेजिलेंस यूज कर लेगा। रेजिलेंस यूज मत करिए सोलो, सोलो ने रेजिलेंस यूज कर ली भाई साहब। और कहां फाइट आ गई है, ऑटन फिनिशर, ऑटन के पास कोई फिनिशर नहीं। ऑटन थर्ड रोप, टॉप रोप से उसके बाद पिनफॉल करा लेना। अरे उठाना क्यों है, उठा क्यों रहे हो। ड्रॉप किक, ऑटन किक आउट, सोलो गया, किक आउट मत करिए, सोलो गया। ऑटन निकाल गया फाइट, भाई साहब क्या गजब फाइट थी। ऐसी फाइट की उम्मीद तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी, ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। इतनी तगड़ी ऑटन भाई, दो दो सुपरस्टार से फाइट निकाल गया। ओरिजिनल ट्राइबल चीफ के जाने के बाद ऑटन ने निकाल ली है फाइट, भाई साहब गजब फाइट रही है, गजब। तो यार अब तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा भाई इस फाइट के बाद, और वीडियो में मजा आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।